पलामू में शिक्षा जगत का सिरमौर बन चुका डेडिकेटेड टीम द्वारा संचालित डीपीएस स्कूल सुदना में एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराने वाले डीपीएस सुदना के नन्हे मुन्हे बच्चों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मौके पर बतौर अतिथि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा काउंसिलिंग के सदस्य रविंद्रनाथ तिवारी और मंत्री रामेश्वर उरांव के प्रतिनिधि दीनानाथ तिवारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विद्यालय के चेयरमैन इंजीनियर विनय कुमार मेहता ने बताया कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड और नेशनल साइंस ओलंपियाड की परीक्षा में डीपीएस सुदना के बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्थान प्राप्त किया है। मौके पर विद्यालय के चेयरमैन इंजीनियर विनय कुमार मेहता ने स्कूल की सफलता का मंत्र टू लेवल टीचिंग सिस्टम के बारे में बताते हुए कहा कि डीपीएस सुदना में बच्चों को उनका सिलेबस एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरा कराया जाता है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा के गुर भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों से ही मिशन रैंकर के तहत बच्चों को इस तरह से तराशा जा रहा है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें और बच्चों ने यह कर भी दिखाया। वहीं मौके पर विद्यालय की संरक्षक डॉक्टर श्वेता कुमारी ने बताया कि डेडिकेटेड का मुख्य लक्ष्य बच्चों को मिशन रैंकर, मिशन टॉपर और मिशन अचीवर बनाना है। इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित इस परीक्षा में डीपीएस सुदना के बच्चों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यह मिशन कामयाब होता दिख रहा है। विद्यालय के प्राचार्य क्षितिज कुमार ने बच्चों की तैयारी और अलग अलग भाषाओं में दक्षता दिलाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ हिंदी समेत इंटरनेशनल लेवल की अंग्रेजी और संस्कृत बोलने और लिखने में बच्चों को पारंगत किया जा रहा है ताकि उनमें अपनी संस्कृति सभ्यता समेत आधुनिकता का समावेश हो और बच्चों में व्यक्तित्व का भी विकास हो, तभी देश को एक सभ्य नागरिक मिल सकेगा। डीपीएस सुदना की इस उपलब्धि के लिए उपस्थित शहर के गणमान्य लोगों ने भी काफ़ी सराहा। वहीं बच्चों की सफलता पर उनके अभिभावक भी गदगद दिखे। और मुझे लगता है कि आने वाले बच्चों के लिए आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा कोई हो नहीं सकता। नहीं तो ये तुम किसी भी तिथि कर सकते थे भाई। जरूर मैंने कहना है, गौरव का बात है, इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है, किसी दिन कर सकते थे। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ही क्यों? निश्चित रूप से इन बच्चों के पीछे इनका लक्ष्य, इनका रस, इनकी योजना, इनका कार्यक्रम, इनका भावी मार्गदर्शन सारी चीज परिलक्षित हो जाता है। क्या हुआ, हाथ जल गई? टेंशन में है? क्यों, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है? हाँ भाई, हाँ भाई साहब, 2 किलो आलू दीजिएगा तो आलू का दुकान है। अच्छा, क्या हुआ भाई साहब, परेशान है? हाँ। याद नहीं रह रही है कोई चीज? हाँ। बच्चों के एडमिशन के लिए टेंशन में है? अरे हाँ भाई हाँ। परेशान है? हाँ। बच्चों के लिए स्कूल तलाश रहे हैं? अरे हाँ। एडमिशन नहीं हो रही है? अरे हाँ बाबा हाँ। अरे जब ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल है इधर, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं उधर? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर।